तेनू अजे जनानी के हाथ नहीं लगे, ये साहबा याद ने लखा मिर्जे जंड थले मरवा दिते, चोर कहना लगो तो साधा कहना जागो। सुनियो क्या तुसी जानते हो कि पाकिस्तान जो बनिया तो वो जी पहली फिल्म लगी वो केड़ी सी, तो वो हीरो कौन सन, यानी कि वो फिल्म जी है ना समझो कि पहली पाकिस्तान की सुपर हिट सिल्वर जूबली फिल्म हुई, यानी कि 25 हफ्ते लगातार एक सैनमे च लगी रही। हूँ वो फिल्म जी है ना वह जरा हीरो है, असी अच्छे गलबात साझी कर जा रहे हैं, जोड़ा कि फिल्म का हीरो भी सी, फिल्म साज भी सी, डायरेक्टर भी सी, ते जिहड़ी उस फिल्म की जिहड़ी हीरोइन सी वो उस हीरो फिल्म साज प्रोड्यूसर डायरेक्टर की असल बीवी भी सी। ठीक है, कमाल तुहानू इह वीडियो होण वाली है, बहुत मज़ा आएगा, तुहानू वीडियो नू लाइक कर लो, चैनल नू सबसक्राइब कर लो। आओ फिर उस अदाकार ते जिहड़ा ना अज की गलबात तुहाडे नाल साझी करनी है। मैं बहुत बुरा हूँ माँ, ले दे के तेरे पास एक घर ही तो था, मैंने वो भी दे डाला। सुने पाकिस्तान जो बनया ना तो जी पहली फिल्म लगी वह ना सी फेरे 1949 जी कि पहली पाकिस्तान की कामयाब फिल्म सी सिल्वर जूबली फिल्म। उस फिल्म के हीरो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जोड़े सन उन्हों का ना सी अदाकार नज़ीर साहब। तो इस फिल्म की जी हीरोइन सी वह नज़ीर साहब की बेगम सी, उस जमाने की आउट क्लास हीरोइन जिन्हों का ना सी स्वर्णलता। यह फिल्म जी 28 जुलाई 1949 ईद उल फितर के मौके पर रिलीज़ की गई सी। एक पंजाबी मूवी सी, ये मुकाबले में इंडिया दी जिहड़ियां फिल्मां लगियां उन्हां विचों दिल लगी, दुलारी, बरसात, अंदाज ते लच्छी सन जिहड़ियां कि उर्दू हिंदी मूवियां सन, लेकिन इन्हां सब नूं जनाबे लई कट दिता उन्हें जिहड़ी कि एक पंजाबी मूवी सी फेरे। बेसिकली जिहड़ी फेरे मूवी है ना ये वारस शाह सरकार जिहड़े ने ये उन्हां दी जिहड़ी लोक दास्तां है हीर रांझा हीर वारस शाह ये उहदे ते आधारित मूवी सी। ठीक है, लेकिन की है कि इस फिल्म में सारे किरदार जिहड़े ने वह हिंदुआना तरीके वाले सन सारे। तो इस फिल्म की मज़ेदार गल जी है ना वो ये वे कि यह फिल्म एक महीने में जी तैयार की गई, सिर्फ 30 दिनों में, उस जमाने रिकॉर्ड सी। फिर एक होर इस तो भी ज्यादा दिलचस्प गल ये कि इस फिल्म में 7 गाने सन, इको ही दिन लिखे गए, इको ही दिन इन्हों तर्जा धुना बनाई गई, तो इको ही दिन जो रिकॉर्ड किए गए है कि नहीं रिकॉर्ड है भी। यह खासीयत है इस फिल्म की जी अज भी याद की जाती है। इस फिल्म की कास्ट नज़ीर साहब, स्वर्णलता, फिर अलाउद्दीन साहब, एम इस्माइल साहब, तो जीनत साहिबा। फिर अगले साल 1950 नज़ीर साहब ने इसे टीम में दोबारा लैके फिल्म बनाई लारे, वो भी तकरीबन फिल्म जी उस दर्जे की रही। एक चीज़ होर तुहानू दसते जाइए, क्लीयर कर दईए कि नज़ीर साहब या स्वर्णलता ये कोई पाकिस्तान बनने तो बाद ये नहीं कि पाकिस्तान आके ये सिर्फ जो स्टार्ट इन्होंने अदाकारी का फेरे फिल्म तो लिया, नहीं, ये नज़ीर साहब जो ने जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं सी बनिया ये उदों भी इंडिया दी जिहड़ियां फिल्मां ने खामोश फिल्मां ये उहदे अदाकार सन। इन्हां दी पहली फिल्म 1930 आई सी मिस्टर यस बैंडेड, ते इस फिल्म के हदायतकार सन अब्दर रशीद कारदार साहब जिहड़े कि एम इस्माइल साहब के बड़े जिगरी यार सन, उन्होंने मैं गल कर चुके हैं। अगर तुम वो वीडियो वेखना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पा देवगा। अदाकार नज़ीर साहब 30 ते 40 की दहाइया जो दो दहाइया ने ये वो मकबूल तो मसरूफ तरीन अदाकार सन। फिर इन्होंने एक बतौर फिल्म साज इन्होंने एक अपना एक अदारा भी फिल्मा बनाने वाला बनाया जिदा ना सी हिंद पिक्चर्स, जिदे बैनर तरह इन्होंने काफ़ी फिल्मा बनाईया सन। इसे अपनी कंपनी हिंद पिक्चर के बैनर तले इन्होंने फिल्म बनाई सी अपनी 1945 लैला मजनू। फिर 46 इन्होंने बनाई वामे कजरा जिहड़ियां कि सुपरहिट रही उस जमाने दियाँ, तो इन्हों दोनों फिल्मों में इन्हों की हीरोइन सन स्वर्णलता जी, तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी सन दोनों के, तो डायरैक्टर भी सन। फिर नज़ीर साहब ने एक होर एजाज़ हासिल है कि वह मलका तरन्नम नूरजहां साहिबा नाल भी हीरो आए हैं। वो फिल्म सी 1945 की गाँव की गोरी जिदे मैडम जी होरां नाल नज़ीर साहब हीरो आए। तो फिर 1947 पाकिस्तान बन गया, तो वह बंबई फिल्म इंडस्ट्री छड़ के ते लाहौर की जी फिल्म इंडस्ट्री इत्थे मुंतकिल हो गए। तो इन्होंने अपनी पहली फिल्म पंजाबी शुरू की जिहदा नाम सी इश्क पंजाब, जिहड़ी कि हीर रांझा की कहानी नूं लै के ना सारी कहानी वो सी, लेकिन ना चेंज सी।
पर इहदे च हादसा एक हो गया कि जिन्ने प्रिंट सन जिहड़ी इन्हां ने वह फिल्म शूट की सी वह अग लग गई तो सारा जिहड़ा समान जिहड़ा सारे प्रिंट सड़ गए। फिर इन्हां ने बतौर प्रोड्यूसर ते डायरैक्टर 1949 विच फिल्म बनाई सी सच्चाई, जिहदी हीरोइन इन्हां दी बेगम ही सी स्वर्णलता। इस मियाँ बीवी जोड़ी ने नज़ीर साहब ते स्वर्णलता ने जिहड़ियां कि होर फिल्मां जिहड़ियां इकट्ठे काम कीता बतौर हीरो हीरोइन, उन्हां दे नां आए ने अनोखी दास्तां 1950, फिर भीगी पलके 1952 विच रिलीज़ होई, फिर खातून 1955 विच लगी ते साबरा 1956 विच लगियां। एक इन्हां दी होर फिल्म सी जिन्हें कि गोल्डन जुबली जिहड़ी इहदे रही वह फिल्म सी नौकर, जिहड़ी 1955 विच रिलीज़ की गई। नज़ीर साहब ने पाकिस्तान आ के कोई 16 फिल्मों में काम किया, लेकिन मज़े की गल है कि इन्हों 16 में 3 फिल्मा अजिहा सन कि जिदे स्वर्णलता प्रोड्यूसर डायरैक्टर ने कास्ट ना किया, लिहाजा इन्होंने किसी होर हीरोइन नाल हीरो आना भी कबूल ना किया। वह फिल्मा सन हमीदा, हवेली ते फरिश्ता, इनू कहिंदे ने मियाँ बीवी की मुहब्बत। हाँ जी, नज़ीर साहब पाकिस्तान के वाहद ऐसे हीरो ने कि जिन्होंने अपनी बेगम तो अलावा किसी नाल भी हीरो आना कबूल नहीं किया। इन्हों की आखिरी फिल्म बतौर हीरो, इन्हों की बीवी और हीरोइन सी इन्हों की स्वर्णलता, 1966 में आई सी, जिदा नाम सी सवाल। तो स्वर्णलता जी होर ने पाकिस्तान आके 18 फिल्मा कीतियां, तो 3 फिल्मा अजिहा सन कि जिदे उन्होंने नज़ीर साहब हीरो नहीं सन, जिहड़ियां सन कसम, उस रात की मां और दिल ना माने। तो स्वर्णलता भी ऐसिया सन अदाकारा ऐसी हीरोइन सन कि उन्हें भी अपने शोहर तो अलावा जी उन्हें किसी होर की डायरेक्शन बनने वाली फिल्म है ना वो हीरोइन भी नहीं किसी होर नहीं आई, बल्कि इन्हों की डायरैक्शन नज़ीर साहब की डायरैक्शन बनने वाली जो 3 ऐसिया फिल्मों ने कि जिद नज़ीर साहब हीरो नहीं आए, लेकिन डायरैक्टर जोड़े इन्हों के शोहर ही सन, किसी होर की फिल्म चो भी नहीं हीरोइन आई। तो नज़ीर साहब ने कराची में जाके एक उर्दू मूवी बनाई थी हीर 1955, जिदे हीरोइन ऐसन भट्टी सन, तो क्योंकि वह बतौर डायरैक्टर प्रोड्यूसर बना रहे सन, तो हीरोइन जी उन्होंने बीवी सी स्वर्णलता। उन्नीस सौ 57 में इन्होंने एक होर फिल्म बनाई नूरे इस्लाम, जिहड़ी कि एक इस्लाम से घूमती फिल्म है, बड़ी शानदार मूवी। वो हीरो सन दर्पण, तो हीरोइन सी इन्हां दी बेगम स्वर्णलता, जिहदी एक नात बे इंतहा उस जमाने मशहूर हुई, तो अज भी मैं कहना इंतहा दी जिहड़ी मशहूर और मकबूल है। शाहे मदीना यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना शाहे मदीना, सुबहान अल्लाह। एक क्रैडिट भी नज़ीर साहब नूं जांदा है, अल्लाह पाक उन्हां ते अपनियां रहमतां करे। फिर नज़ीर साहब ने बतौर फिल्म साज बतौर प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाई सी बिल्लो जी 1962 में, जिदे हीरो सन हबीब साहब, तो हीरोइन इन्हां दी बेगम सी स्वर्णलता। इस फिल्म की खास गल वाला की है कि इस फिल्म के डायरैक्टर जिहड़े ने वह नज़ीर साहब नहीं सन, बल्कि अजकल दे अदाकार बहुत वड्डे अदाकार नुमान एजाज साहब, मैं बहुत वड्डा फैन हाँ उन्हां दा, टीवी दे कमाल एक्टर, उन्हां दे वालदे ग्रामी उन्हां दे बाप एम एजाज साहब इस फिल्म के डायरैक्टर सन। नज़ीर साहब की बतौर प्रोड्यूसर ते बतौर डायरैक्टर आखिरी फिल्म जिहड़ी है 1965 में आई सी अजमत इस्लाम, जिहड़ी कि नूरे इस्लाम की तरज की मूवी सी, जिहदे हीरो हबीब साहब सन ते हीरोइन जिहड़ी है स्वर्णलता जी सन। तो नज़ीर साहब की बतौर अदाकार आखिरी फिल्म 1966 की अपना सवाल सी, जिदे विचों सुपर क्लास हीरोइन सबीहा खानम जी हुरां दे प्यो बने, जबकि इन्हां दी बीवी जिहड़ी है स्वर्णलता वह वैंप सलोनी जिहड़ी है ना उहदी माँ का किरदार उन्होंने निभाया, जिहड़ी कि अपनी धी दे नाजायज़ बच्चे नूं जिहड़ा ना वह सबीहा दे सर सुट के, ठीक है, उन्हों बदनाम करके तो अपनी धी को बदनामी तो बचाती है। बड़ी शानदार अदाकारी स्वर्णलता जी होरां कीती। अदाकार नज़ीर साहब लाहौर में ही पैदा होए सन, तो इन्हां दी जिहड़ी डैथ है वह 1983 में लाहौर में ही हुई सी। तो रब सोने अगे दुआ करांगे कि मालका इन्हां दोनों जियां दे पिछले कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करके तू जन्नत अल फिरदौस विच इन्हां नूं आला मुकाम अता फरमा। मालका माफ़ कर दे, तू गफूर रहीम है रहमान रहीम, सब ते अपनियां रहमतां तू फरमा मालका, ते सानू सब नू सीधे रस्ते ते चलन दी तौफीक अता फरमा। उम्मीद करांगे कि जिहड़ा सी खराजे तहसीन पेश कीता, ट्रिब्यूट पेश कीता सी नज़ीर साहब ते स्वर्णलता जी होरां नू, तुसीं यकीनन इस वीडियो नू पसंद करोगे ते अपनियां मुहब्बतां जरूर दिओगे। दिओ इजाजत, अल्लाह सुना हामी नासर, फिर रब रखा जी।